हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल के साथ। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप जुड़े हैं वेदमी YouTube चैनल के साथ। तो जी हां, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक लर्नर के साथ और जानेंगे उनके बारे में कि उन्होंने अपनी जर्नी जो है कैसे कम्प्लीट करी और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, और उनकी लाइफ में सीखी गई कुछ बातों से आप भी अपनी जर्नी में जो है वो हेल्प ले सकते हैं और सीख सकते हैं और आप भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि व्हाट्स योर नेम एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर, मेरा नाम आयुष सिंह है और मैं गोरखपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। ओके, और जो आप कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किए हैं? या सर, मैंने गेट एक्सेल और गेट बीटी क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई कौन सा ईयर क्वालिफाई किया था आपने? सर, मैंने यही 2024 में। 2024, ओके, ग्रेट। तो व्हाट वाज योर रॉ मार्क्स, मतलब आपका जो रॉ मार्क्स कितना था या स्कोर कितना था गेट में? सर, एक्सेल में मेरे 40 मार्क्स थे और बीटी में मेरे 38.9 मार्क्स थे। तो स्कोर लगभग कितना आया था 40 मार्क्स में? सर, 525। अच्छा, 500। हाँ, लगभग, मतलब जितना जो मार्क्स होता है उसके 10 टाइम्स आपका स्कोर लगभग आ ही जाता है, 10-15 टाइम्स, राइट। तो इसके अलावा जैसे आप अभी IIT BHU का इंटरव्यू अपीयर किए, इसके अलावा आप और कोई आपने इंटरव्यू दिया या ये आपका पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था? सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। ओके, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपको साझा करना चाहें? सर, अच्छा रहा, काफ़ी मतलब नर्वसनेस भी हुई, बट ऑल एंड ऑल अच्छा गया इंटरव्यू। ओके, तो किस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने पुट अप किए थे इंटरव्यू पैनल्स में? सर, इंटरव्यू पैनल में उन्होंने पूछा कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट क्या है और अगर मैं उससे परस्यू करूंगा तो मैं उसे किस तरीके से परस्यू करूंगा, व्हाट वुड बी माय मेथोडोलॉजी, और फिर उसके बाद उन्होंने बेसिक्स पूछना स्टार्ट किया कि आपको क्या, जो आप परस्यू करना चाहते हैं क्या आपको उसके बेसिक्स पता हैं, और फिर आप कैसे कैसे उसे करेंगे। मतलब अल्टीमेटली वो आपसे यही पूछते हैं कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है और उसी के इर्द गिर्द वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, चाहे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करी जाए या बेसिक्स की बात करी जाए। तो आपने क्या, फिर आपका क्या इंटरेस्ट है, कोई आपने चूज किया है या आपने एमएससी में कोई डिसर्टेशन टॉपिक वगैरह लिया था या? यस सर, मेरा डिसर्टेशन टॉपिक था, मैंने अपना डिसर्टेशन ICMR RMRC गोरखपुर से किया है। ओके, और वहाँ पे मेरा रिसर्च टॉपिक असल में एक वायरस का इन्वेस्टिगेशन था थ्रू एलाइजा एंड PCR, और फिर मैंने उसका सर सिक्वेंसिंग की थी एंड देन ब्लास्ट किया था, तो हमें पता चला था कि वो एक नॉवेल जीनोम था, लेकिन उसके और स्टडी करने करने की ज़रूरत है और होपफुली, क्योंकि 6 मंथ में काफ़ी नहीं था उतना, काफी नहीं, हाँ। नहीं था, तो होपफुली आगे उस रिसर्च को हमारे साइंटिस्ट आगे ले जाएंगे और हमें एक नया वायरस का स्ट्रेन मिलेगा। ओके, हाँ, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ तो आप भी मानते होंगे कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है या जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल जो IT सेक्टर है, जो जिसका बायोइन्फॉर्मेटिक्स जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजी फील्ड में, उसका काफ़ी यूज़ हो गया, क्योंकि उसके बिना आजकल अगर मैं किसी स्ट्रेन के बारे में जानना हो या सिक्वेंसिंग के बाद आपको कोई प्रोसेसिंग करनी हो तो बिना उसके पॉसिबल नहीं है, राइट? यस सर, बहुत लेंथी प्रोसेस। बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत यूजफुल है, जैसे पहले हमें पता था कि किसी को सीक्वेंसिंग करनी होती थी, पहले साइंटिस्ट ब्लैक बोर्ड पर लिख के करते थे, तो बड़े जीनोम का करने में तो उन्हें कई दिन लग जाते थे वगैरह। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने काफी चीजें आसान की है, राइट। तो आप जब गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको लगभग कितने महीने पहले आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी? सर, मैंने, क्योंकि मैं CSIR का कोर्स फॉलो कर रहा था, तो मैंने 1 मंथ डेडिकेटेड इसके लिए तैयारी की थी गेट के लिए। तो आपके क्या सोर्सेज रहे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने क्या सोर्सेज को फॉलो किया था? सर, मैंने आपका कोर्स किया था, ज्योति मैम से पढ़ा था, आपसे पढ़ा था, और आपकी रिकॉल एक्सप्रेस जो थी उससे, उसको मैंने फॉलो किया था रिकॉल करने के लिए और रिवाइज करने के लिए। अच्छा, रिकॉल एक्सप्रेस समझ में आ जाता था? हाँ सर, आ जाता था, बल्कि हम तो उसे 2x पे करके देखते। अच्छा, 2x पे करके रिकॉल एक्सप्रेस तो सर के ऊपर से नहीं जा रहा था वो पूरा का पूरा? नहीं सर, वो जो पढ़ा रहेगा उसे समझ में आ जाएगा। जो आपसे पढ़ा रहेगा और जिसके पास मटेरियल रहेगा वो तो आराम से कर लेगा। तो जैसे आपने प्रैक्टिस, जैसे सोर्सेज स्टडी करने के तो लिए थे आपने अपने, क्योंकि ज्यादातर आपको भी पता है कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच जरूर होना चाहिए अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपने प्रैक्टिस के लिए क्या सोर्सेज यूज किए या क्या स्ट्रेटजी यूज करी थी? कि आप सर वेदमी पे आपके ही प्रीवियस कई सारे गेट के क्वेश्चन पड़े हुए जो आपने ही सॉल्व करवाए थे, तो मैंने वो देखा था और उससे मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पता चलता, खासकर बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो आप जैसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कई बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि हम
क्योंकि कोई भी चीज कांस्टेंट है नहीं, दिस लाइक अप्स एंड डाउन्स। प्रिपरेशन टाइम में भी हमारा मूड कभी एनर्जेटिक है, कभी हम एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर ऐसे एनर्जेटिक है। तो ये आपके साथ भी फील हुआ था और आपने उसे कैसे टैकल किया? सर एक्चुअली अभी मैं इसी पे हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरू में CSIR की तैयारी करनी स्टार्ट की थी, तो जब मैंने पहला अपना अपियरिंग दिया था तो मैंने बिना कुछ पढ़े दिया था, मतलब कोई बहुत तैयारी वैर की, लेकिन मेरा स्कोर अच्छा आया था, काफ़ी मतलब अच्छा नहीं, क्वालिफाई नहीं हुआ था, बट बिना कुछ पढ़े के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर था। फिर मैंने आपसे ज्योति मैम से तैयारी की और पूरा मतलब ज़्यादा नहीं, 4 मंथ्स थे मेरे पास, 4 मंथ्स में मैंने किसी तरीके से 10 यूनिट्स करके कोशिश किया कि 100% मेरा हो जाए, लेकिन बट नहीं हुआ। और किन्हीं कारणों की वजह से, फैमिली रीजन वगैरह की वजह से, मेरा जो था स्कोर जो मैंने अपियरिंग में दिया था उससे भी कम आ गया। अब उसके बाद से, अब इस समय मेरी हालत ये है कि मेरा कोई एग्ज़ाम मतलब देने का मन नहीं कर रहा है। मैंने ये वादा, ये भी यहाँ पे इंटरव्यू देने में आया हूँ तो काफ़ी मतलब बिना मन से आया, क्योंकि होता है आप कितनी बार तैयारी करें, कितने एग्ज़ाम्स आप देते जाए, एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि यार एक ही चीज़ को मैं कितनी बार वो करूँ। ये तो होता है समटाइम्स, जब आप एक बार आप एनर्जी को उतने ही लेवल तक रख सकते हो, दूसरी बार रख सकते हो, लेकिन अब हर कोई विराट कोहली तो होगा नहीं कि हर मैच में उतनी ही एनर्जी मेंटेन करके रखे। तो लेकिन ये तो है कि एनर्जी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको क्वालिफाई करना है। तो आपने कभी उसके ऊपर वर्क किया, जैसे आप बोल रहे हो कि आप ड्रेन्ड हो रहे हो, तो उसके ऊपर आप क्या काम करते हो उस चीज़ को कंसिस्टेंट रखने के लिए? सर इसमें तो एक ही चीज़ मदद कर सकती है, वो है डिसिप्लिन। चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, आप उठो पढ़ो और फिर वो रूटीन बरकरार रखो, धीरे 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 आपका मन करे ना करे आपकी तैयारी होती रहेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, भले आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, डिसिप्लिन बहुत हेल्प करता है इसमें। एग्जैक्टली, लाइक आपने बिल्कुल सही बात बोली कि इफ़ यू हैव टू डू समथिंग जस्ट वर्क इट, लाइक आप उसको काम करो, उसके लिए मोटिवेशन डीमोटिवेशन एंजाइटी डिप्रेशन को साइड में रखे, मुझे करना है तो बस करना है। धीरे धीरे जब आप करते रहोगे ना तो उस चीज़ में वो चीज़ें अपनी आप होती चली जाएंगी, आपका मेंटल स्टेटस में भी जो है वो डिफरेंट हो सकता है, राइट? तो आप ऐसे ही गंभीर से रहते हो या लाइफ में पर्सनल लाइफ आपकी थोड़ी बहुत चिल है, या कैसे रहते हो आप दोस्तों वगैरह के साथ? बहुत इंट्रोवर्ट, मतलब हद से ज़्यादा इंट्रोवर्ट, तो मुझे काफ़ी मेरे फ्रेंड नहीं, बहुत दो ही चार हैं जिनके साथ मैं काफ़ी खुल के रहता हूँ, वरना मुझे किसी से खुलने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों, बचपन से ब्रिंगिंग ऐसी रही है या आपको लगता है कि दुनिया जो है बेवकूफ़ है? ये भी है कि लगता है कि मतलब दुनिया भी बेवकूफ़ है, और बहुत कम ही लोग मिले हैं जो मतलब मैच कर पाते हैं। लेकिन ज्यादातर इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा IQ वाले होते हैं, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा देखा गया है कि वो लोग दिमागी तौर पे ज्यादा सोचते हैं। तो क्या आप, अगर इंट्रोवर्ट लोगों के साथ ऐसा देखा गया कि वो ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं? यस सर, वो तो है ही। वो तो सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी इंट्रोवर्ट्स को मैं जानता हूँ, सारे ओवर थिंकिंग कभी ना कभी एक पॉइंट पे कोई ना कोई डिप्रेशन में रहता है, ओवर थिंक कर ही रहा रहता है। तो आप जो है इस चीज़ को एंजॉय करते हो पूरी तरीके से, जैसे आप हो वैसे उस तरह, मतलब? हाँ सर, क्योंकि एक कोई अगर प्रॉब्लम रहता है, ओवरथिंक कर रहा है, तो दूसरा उसको समझा देता है, अरे इतना नहीं सोचा जाता, अरे चलता है, राइट? तो कभी मतलब कोई एक ऐसी हॉबी जो आप कभी अपने ऊपर अप्लाई करते हो खुद को हैप्पी रखने के लिए, खुद को एंगेज रखने के लिए कोई? सर मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, और मैं कभी बाहर निकलता हूँ तो फोटो वोटो खींच लेता हूँ अपने फ्लावर्स की वगैरह की, तो वो सब मुझे अच्छा लगता है। तो आप कभी उसको परस्यू करने की कोशिश की हो फोटोग्राफी को फ्यूचर के तौर पर? एक्चुअली मैंने सोचा है कि अगर मैं एज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन जाता हूँ, तो मैं अपने फ्री टाइम में इस हॉबी को ज़रूर टाइम दूंगा। नहीं वो, क्योंकि कई बार इंडिया में ऐसा होता है ना, अब्बा नहीं मानेंगे वाला कॉन्सेप्ट चलता है, तो क्योंकि आपने 3 Idiots मूवी तो देखी होगी, उसमें फरहान वाला कैरेक्टर था। तो कभी कभी देखो दो चीज़ें होती है कि हॉबी और एक होता है उसको एक्सेल करना। जरूरी कि हम जिस जो हमारी हॉबी हो हम उसमें एक्सेलेंस ही हासिल कर पाए। हॉबी हमें अच्छा सुकून जरूर देता है, लेकिन हमें अपना करियर जो है वो सही से चूज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है वो अगर वो हॉबी से मैच कर जाता तो और अच्छी बात है। तो बढ़िया है। तो आप जो है आगे फ्यूचर में, मतलब आपका क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हो, लाइक साइंटिस्ट बनना है या प्रोफेसर बनना है या क्या?
सर मुझे साइंटिस्ट बनना है। एक्चुअली जब मैं डिजर्टेशन कर रहा था ICMR में, हाँ, तो वहाँ पे मैंने जिन साइंटिस्ट के अंडर काम किया, डॉक्टर गौरव राज द्विवेदी, डॉक्टर राजीव सर और भी बहुत सारे एक्सलेंट साइंटिस्ट थे, वो पब्लिक हेल्थ की फील्ड में काम करते हैं और वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग गाँवों में जहाँ एपिडेमिक्स आती हैं वहाँ पे रूट लेवल पे जा के सैंपल कलेक्शन करना और एक्सेट्रा करते हैं। तो अगर आप जैसे साइंटिस्ट, मतलब तो आपका कोई एक फील्ड है जिसमें आप स्पेसिफिक काम करना चाहते हो कि नहीं मुझे ये, क्योंकि साइंटिस्ट में भी एक कोर चाहिए होता है क्योंकि आप हर फील्ड के साइंटिस्ट नहीं बन सकते। yes, तो आप किसी भी चीज़ में आपने कभी सोचा है कि नहीं मुझे इसी फील्ड पे कुछ अच्छा सोक करना है? सर मुझे पब्लिक हेल्थ के फील्ड में करना है और खासकर मैंने सोचा है कि एक क्यों ना बायो सेंसर बनाया जाए या रैपिड डायग्नोस्टिक किट बनाया जाए ऐसे वायरसेस का या ऐसी डिजीजेस का जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, जिसके सिम्टम्स हमें नहीं दिखते और जब तक कि सिम्टम्स आते हैं तब तक काफ़ी लेट हो चुका रहता है। उसमें से HIV एक बहुत ही मेजर जो कि काफ़ी सालों तक एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो हाँ बहुत सारे ऐसे वायरस है जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप जो है लर्नर्स को एक फाइनल नोट जो है देना चाहे अपने लाइफ के जो पूरे समअप है, आपने जो सीखा है अपनी ज़िंदगी से, अगर आपको कोई एक फ्रेश लर्नर जो अभी शुरुआत कर रहा हो स्टडी करने या प्रिपरेशन करना, तो आप उसे क्या एक फाइनल सजेशन देना चाहेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन? सर मैं तो यही सजेशन देना चाहूँगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो आपका जो गोल है आपको ज़रूर हासिल होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ एक लर्नर जुड़े हुए थे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि आप अगर लगे रहें, और इवन एंजाइटी और डिप्रेशन लाइफ का पार्ट होता है और सभी के साथ ऐसा होता रहता है, तो आप अगर ऐसा सोच रहे कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है और ऐसा नॉर्मली नहीं होता सभी के साथ, तो ये नॉर्मल है, जस्ट एक्सेप्ट इट कि ये लाइफ का पार्ट है और इसके साथ अपना काम जो है वो करते रहें, और साथ में आप अपने गोल को, अपने ड्रीम को जरूर परसीव करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप लाइफ में एक लेटर स्टेज पे जाओगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप जो कर तो रहे हो लेकिन उसमें अगर आपका मन नहीं है तो आपकी लाइफ जो है पूरी की पूरी रिग्रेट वाली भरी हुई हो जाएगी। इसलिए एक बार कोशिश जरूर करें, भरसक प्रयास करें कि आप अपने गोल तक जरूर पहुंचे। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।